हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया सोशल। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं जिसके सफर तो हम सभी ने किया है और जिसके कारण भी हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पर इससे पहले कि इस बारे में मैं और कुछ बोलूँ, आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट इस वीडियो मेरे वीडियोज की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन सिस्टम मतलब क्या, हम और आप एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या समझते हैं? वो सिस्टम जो इंसान को एजुकेट कर सके, वो सिस्टम जो हमें कुछ सिखा सके। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है, हमारा ही क्यों, दुनिया का भी क्यों, किसी की भी बात कर रहे हो यार, कोई भी एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम शुड बी बाय स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट एंड टू द स्टूडेंट, जस्ट लाइक डेमोक्रेसी। लेकिन ऐसा होता नहीं है किसी भी केस में। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता किस हिसाब से है, दैट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू द टीचर्स, पेरेंट्स एंड मोस्टली द गवर्नमेंट। हमारी सरकार जो चाहेगी उसी हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम चलेगा। स्टूडेंट क्या चाहता है, स्टूडेंट के मन में क्या है, ये बात मैं जानने की किसी ने कोशिश की है और ना ही आगे कोई जानना चाहेगा। तो अगर हम अपने सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि सिस्टम में कितने सारे फ्लॉज हैं और एक एक अगर गिनने बैठे तो कितना समय लगने वाला है। तो मैं कुछ कुछ मेन मेन वाले निकाल लेती हूँ आपने सामने। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ तो आपको याद होगा कि हमने हमेशा से स्कूल में एक जैसे कपड़े पहने, सेम स्कूल यूनिफॉर्म रही है हमारी। उसके पीछे का मोटिव हमने आगे जाके क्लासेस हमें ये भी समझना आया था, हमें बताया कई लोगों ने कि इसके पीछे का मोटिव बस इतना है कि सभी बच्चे बराबर हैं, ये दर्शाना है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऐसी पार्शियलिटी नहीं रह जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना रह जाए, कोई डिफरेंस ना रह जाए, इस चीज के लिए ही ये पूरा यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। पर मुझे क्या लगता है कि इससे कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये स्कूल ही है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है, ये कॉलेजेस ही है जो इसकी पार्शियलिटी को, डिफरेंस को बढ़ावा देते हैं। देखो, अपने और तुमने, हम सभी ने फील किया कि कैसे स्कूल में हमेशा से जेंडर बेस्ड पार्शियलिटी होती आई है। तो सबसे पहले मैं बात कर रही थी वो पार्शियलिटी की जो लड़कों के साथ होती है, क्योंकि हर बार लोग इस बात को तो इग्नोर ही कर देते हैं। सेम मिस्टेक एक लड़की ने की, सेम मिस्टेक एक लड़के ने की, हम सभी को पता है पनिशमेंट किसे ज्यादा मिलेगी और किसे कम मिलेगी। सेम गलती करने पर जब आप एक जेंडर के लोगों को ज्यादा पनिश करते हैं और एक को कम, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसके बाद जो कि अंदर जो गुस्सा है ना, वो बढ़ता जाता है। क्यों? स्कूल में लड़के बदतमीज कहलाते हैं, क्योंकि आपने ही तो उन्हें बनाया है। ऐसा क्यों हुआ? और लड़कियों की अगर हम बात करें कि लड़कियों के साथ ऐसा क्या भेदभाव था, लड़कियों बीइंग अ गर्ल हम सबको तो खुश होना चाहिए ना, हमें तो सब कुछ मिल रहा है। बट दैट इज नॉट द रियलिटी ना। लड़कों के साथ उठो मत, बैठो मत, खेलो मत, खाओ मत, मस्ती मत करो, कुछ मत करो, जस्ट बिकॉज दे आर बॉयज। तो लड़का और लड़की अलग अलग रहो भाई, तुम एक साथ स्कूल चला करो, गर्ल्स स्कूल को गर्ल्स स्कूल रहने दो, बॉयज स्कूल को बॉयज स्कूल रहने दो, क्योंकि एक साथ अगर पढ़ाना है तो फिर इक्वालिटी की बात आ जाती है। सिर्फ जेंडर ही हमारी परेशानी नहीं है। जेंडर को तो हम आपस में इग्नोर ही कर देते हैं जब हम मस्ती मजाक के मूड में रहते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनकम बेस में बहुत ज्यादा पार्शियलिटी होती है। क्यों एक स्कूल के स्टूडेंट को पनिशमेंट इस बात पे मिलती है कि उसके पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी है? क्यों होता है ऐसा कि उसे कहा जाता है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते, आपको रिजल्ट नहीं दिखाए जाएंगे, आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा, ये सब चीज किया जाएगा जस्ट बिकॉज कि आपने फीस नहीं भरी है? आप चाहिए पूरे दिन क्लास में खड़े रहिए या आपको पूरे क्लास के सामने इंसल्ट किया जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उस इंसान ने उतना उसके पास उतने पैसे नहीं थे या उसको कोई प्रॉब्लम थी, और इस वजह से उसके साथ इतना सारा टॉर्चर एक तरीके से होता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि फीस वाले टॉर्चर से ऑलमोस्ट हमारी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होता है हर क्लास में जो ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम झेल रहा होता है। एंड देन वो टीचर्स जो होती हैं, वो जो जितने भी लोग होते हैं, स्टाफ होता है जो स्कूल का, वो उन्हें बिना कारण इंसल्ट कर रहा होता है। इवन अगर आपको परेशानी तो जाइए जाके पेरेंट्स से बात कीजिए, बट नो, यू विल टॉक टू द स्टूडेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि बच्चे एम्बैरेस होगा तो वो जाकर अपने पेरेंट्स को बोलेगा और पेरेंट्स मजबूरी में चाहे कुछ भी करें पैसा तो दे ही देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो पार्शियलिटी की बात तो मैंने काफी कुछ कह दिया कि पार्शियलिटी हो रही है। अब पार्शियलिटी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पढ़ाई लिखाई। टीचर वो तो स्कूल स्कूल की बात है ना, टीचर्स की बात है, इंसानों की बात है, वो इंसान की सोच कैसी है, उस हिसाब से पार्शियलिटी हो रही है। पर अगर हम बात करते हैं स्कूल के एजुकेशन सिस्टम की, हमारे टोटल एजुकेशन सिस्टम की, तो उसमें हमें बता दीजिए कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज वो क्या होता है हमें कुछ पता ही नहीं है। प्रैक्टिकल मैथ्स टू मैथ्स ना साइंस लग भी दो केमिकल इंजीनियरिंग को कहा जाता है। अगर आप कह दें कि आपको कुछ चीज प्रैक्टिकली समझनी है तो ये पॉसिबल नहीं है।
आप कैसे, अगर आप हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और आप सोचे कि उस हिस्ट्री को समझने के लिए म्यूजियम चला जाए, तो नहीं है, नहीं हो सकता। वो स्कूल ट्रिप में साल में एक बार भी जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। वो भी बच्चे ढंग से नहीं देखते, कोई ट्रिप नहीं होता यार। तो इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करें, क्या करूँगा उस पाइथागोरस थ्योरम का, जब मैं आराम से स्केल से नाक का ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकाल सकती हूँ? क्या करूँ मैं उस लॉ ऑफ ग्रेविटी का, मुझे नहीं जानना कि उसके सिर पे तेज क्यों है, मुझे नहीं मतलब कि आपका मोशन वाला चैप्टर मैंने क्यों पढ़ा, जब मैं उस चीज को कहीं अप्लाई ही नहीं कर रही हूँ। मैंने मोशन का चैप्टर जरूर पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितनी स्पीड से भागूंगी तो क्या मेरे साथ होगा और क्या नहीं होगा। ये सब चीजें अगर हमें समझा दी गई होती, सिखा दी गई होती, तो क्या बात होती। पता नहीं हमने ट्रिगोनोमेट्री और अलजेब्रा भी अपने स्कूल टाइम में क्यों पढ़ा था, तो कोई लॉजिक आज तक मुझे नहीं मिला, क्योंकि उसमें से किसी भी चीज का प्रैक्टिकल नॉलेज तो हमारे पास था ही नहीं ना। प्रैक्टिकल नॉलेज होता तो फिर शायद हम कुछ कर पाते, और प्रैक्टिकल नॉलेज से अगर मैं आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ फिजिकल एक्टिविटीज की, तो वो तो टोटल ही निल है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज हमारे स्कूलों में हो ही नहीं सकती है। हम इंडियन स्कूल की बात कर रहे हैं, इंडियन स्कूल जो कहूँ मैं इसे मैं ब्रिटिश स्कूल कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। क्योंकि इससे पहले तो वो गुरुकुल मेथड, जहाँ पे आपको हर एक स्किल सिखाया जाता था, वो चलता था ना। और उस समय तो भाई जहाँ तक मुझे पता है, जितने किस्से कहानियां मैंने सुनी ना, उस समय के लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होते थे। हाँ, उन्हें अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, पर उन्हें हर वो एक नॉलेज थी कि वो अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं और किस तरीके से अपना हर एक काम कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे आज तक हमने अगर कुछ किया है तो मैथ्स मैथ्स गेम्स पीरियड में 4 गेम्स खेले हैं, और वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स टीचर और साइंस टीचर ने ले लिया है। आप लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी को इतना नीचे का दर्जा दे रखा है, उसे एक्स्ट्रा करिकुलर बना रखा है, नॉट को करिकुलर। को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर की अगर हम बात ही कर रहे हैं, तो फिर आप ये फिर हम फिजिकल एक्टिविटी की क्यों बात करें, हम क्रिएटिव नॉलेज की भी बात कर लेते हैं। हमारे पास ड्राइंग ड्राइंग नाम का सब्जेक्ट तो है, पर उस सब्जेक्ट में हमने आज तक कुछ सीखा नहीं। पेंसिल भी सही तरीके से ड्राइंग करते हो कैसे पकड़नी है, अगर ये सीखना है तो उसके लिए आप अलग से ड्राइंग क्लासेस लगा लीजिए। स्पोर्ट्स और ड्राइंग और म्यूजिक और इस टाइप के आर्ट फॉर्म्स को हमने टोटल ही अपने करिकुलम से निकाल के फेंक दिया है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहता है, सपोज कीजिए कि कोई एक बच्चा जो कि अकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं है, जिसे मैथ्स नहीं पढ़ने पड़ता, जिसे साइंस नहीं समझ में आता, पर वो बहुत ही अच्छा गेम्स करता है, बहुत ही अच्छा वो सपोज कीजिए वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, वो सब कॉमन स्पोर्ट चाहिए जो हम स्कूलों में खेल पाते हैं, तो वो ये गेम्स में बहुत अच्छा करता है और वो इसी में अपना करियर आगे देख रहा है। बट नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसके घर वाले ये सुनेंगे, ना ही स्कूल की टीचर से सुनेंगे, ना ही कोई उसके क्लासमेट सुनेंगे। उन लोगों को सिर्फ इसी बात में जज किया जाएगा कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। अगर उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, देन वो कोई और एक्टिविटी करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम ये कर लेते हो तब ही तुम्हें जाके ये करने दिया जाएगा। इस तरीके का फोर्सफुल एनवायरमेंट अगर आप बनाएंगे, तो आपको क्या लगता है, आपको जो भी हमारा जो स्टूडेंट है, हम किस लेवल तक प्रेशराइज हो पा रहे हैं, किस तरीके से क्या चीजें सोच रहे हैं? हम जब मेन मेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जो हमने आज तक स्कूल में पढ़ी है, दो सौ साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएससी, हिंदी, कंप्यूटर, एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस, ड्राइंग, स्पोर्ट्स, जीके। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमने रटने के अलावा आज तक नहीं कुछ किया है। मैंने ना अपने साथ के लोगों को, ना अपने बाद के लोगों को, किसी स्टूडेंट को नहीं देखा है जिसने जीके समझा हो या जीके के बारे में उसे कुछ नॉलेज हो। जनरल नॉलेज इज लाइक टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि उसको हमने टोटल रटा है, और आज के डेट में हमसे कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ रहे। अगर अभी तुम्हारे सामने, मेरे सामने कोई सेकंड क्लास का बच्चा अपनी बुक उठा के कोई एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ ले ना, हमें वो याद नहीं होगा, 90% यही चांसेस है। क्यों? क्योंकि उस बारे में हमने पढ़ा थोड़ी था, उस बारे में हमने कुछ समझा थोड़ी था, उस बारे में तो हमने बुक के पीछे के आंसर कॉपी करके बस याद किया था। तो जनरल नॉलेज की क्या ही बात करें। अगर हम सभी सब्जेक्ट की बात करें, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट दो ही सब्जेक्ट रहते हैं, साइंस एंड मैथ्स। किसी के लिए साइंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मैथ्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस में जो कुछ भी आज तक हमने रखा है ना, अगर उसको 0.1% प्रैक्टिकल किया होता ना, आई एम डैम श्योर हम कुछ नहीं भूले होते। मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में तो आज तक इतने फॉर्मूला रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पुट करना है। इससे कहीं गुना बेटर होता ना कि अगर हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं होते, थोड़ा डेरिवेशन समझ नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ, हमने बस फॉर्मूला हाईलाइट किया और ये वाला फॉर्मूला ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लगेगा, वो वाला फॉर्मूला वैसे क्वेश्चन में लगेगा, उस समय के लिए रट लिया, बस यही एग्जाम में तो मूव होना है और इस तरीके से याद करके छोड़ दिया। इंग्लिश, इंग्लिश जितना अच्छा हम लिख लेते हैं ना, अगर उतना अच्छा बोल लेते हैं तो बात क्या होती है। इंग्लिश तो भाई हमारे स्कूलों की जान है, आन बान शान है। इंग्लिश नहीं हो मत, एक इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने की वजह से ये सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम खुद को बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश के बारे में कुछ पता तो है नहीं। इंग्लिश की एक कविता अगर कोई लिख देना, इंग्लिश में पोएट्री कोई लिख देना, तो मैं मान जाऊंगा उस बच्चे को। हिंदी, हिंदी को तो ऐसे इग्नोर किया है
हैं हमारे देश ने ना, जैसे पता नहीं हिंदी ने उनका क्या बिगाड़ा था। हमारी मातृभाषा हिंदी है ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अब तो हम अंग्रेजी पोपट बनने के कगारते हैं। हिंदी के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अपने इतने स्टेप्स आते हैं, इतने स्टेप्स आते हैं ना, पर वो स्टेप्स हमें याद रहे नहीं कभी। वो स्टेप्स हमने कभी फॉलो नहीं किए, इतने शॉर्टकट की का रट्टा मारा था, पर आज भी काम करते 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 दो चार याद हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि हमने हमारे घर के पीटी पे काम किया, नॉट बिकॉज कि स्कूल वालों ने कुछ सिखाया। अभी बात कर लेते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के जिससे सभी लोग परेशान रहे हैं, मुझे एसएससी में मेनली अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नाजी पार्टी, ये सब इतना ज्यादा पढ़ा है जितना हमने इंडियन रिवॉल्यूशन के बारे में नहीं जाना। हमें नहीं पता कि हमारे देश की आजादी में किन किन लोगों का हाथ था, उतने डिटेल में जितनी ज्यादा डिटेल में हमें पता था कि अकबर की कितनी बीवियां थी। हमने कुछ भी अपना एजुकेशन सिस्टम में हमारे देश में तो कुछ रहा ही नहीं है, सारा इनपुट तो वो है जो ब्रिटिशर्स हमें देखे गए, ना कि वो जो हमने पहले से सीखा। आप में से कोई मुझे बता दे कि महाराणा प्रताप की फैमिली में कौन था और क्या करते थे और उन्हें क्या क्या आता था या क्या नहीं आता था, या उन्हें ऐसा क्या कौन से युद्ध लड़े, इनके दो सौ चीजें में अगर मुझे बता दूंगा तो जो तुमने पहले पढ़े हैं। अभी की बात ही रही, अगर तुमने किसी के चैप्टर में अभी चलाओ तो ये तुम चीजें कर रहे हो। तो आगे अब एसएससी में सिर्फ हिस्ट्री थोड़ी ना, ज्योग्राफी भी है। ज्योग्राफी वैसे तो हमने अपने देश और दूसरे देश हर देश के बारे में पढ़ी, अलग अलग लैंड फॉर्म्स और बहुत कुछ। जरा मुझे बताना कौन सा हमारे मैप में थिरुवनंतपुरम, तो सबको याद है ना वो कोने में सबसे लंबा वाला। मुझे बस एक बार बता दो कि सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। अगर हमें पता हो कि हमारे देश की कौन सी नदी किस तरफ बहती है ना, तो वो भी मैं मान जाऊँ। अपना मैप तो हमें आज तक ढंग से याद हुआ नहीं और हम चले हैं ज्योग्राफी पढ़ने। आगे बात करते हैं सिविक्स की। सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, कुछ भी बोल लो, तो उसे लेकिन उसके आगे हमने कुछ सीखा है। राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज तो बहुत ज्यादा सीखी, लेकिन अगर उसे इंप्लीमेंट करने की बात है तो उस समय हम सारे निर्भरता सुनाता हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कितना ज्यादा अच्छा है। अभी अगर हम बात करते हैं इन सभी सिस्टम्स को एक साथ जोड़ने की, इन सभी सिस्टम्स को किस तरीके से हम चेक करते हैं, तो इसका एकमात्र तरीका है हमारे एजुकेशन सिस्टम के पास एग्जाम्स। एग्जाम्स एक ऐसा तरीका है जिससे हमारे पूरा का पूरा सिस्टम हर एक स्टूडेंट को जज करता है। उस एग्जाम में क्या जज करता है कि बस हमारी मेमोरी पावर कितनी है। हमने जो चैप्टर वन में पढ़ा था और जो हमने चैप्टर एट में पढ़ा था, वो हमसे एक साथ पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने चैप्टर वन में क्या पढ़ा था और तुमने चैप्टर फोर में क्या पढ़ा था, वो भी उसी लैंग्वेज में जो तुम्हारी बुक में लिखा है, ना कि उस लैंग्वेज में जो तुम बोल सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें वही भाषा यूज करनी है जो तुम्हारे बुक में सिखाई है। कोई और तरीका अगर आपने यूज किया तो आपका आंसर गलत है। और इसमें हम सिर्फ वही मेमोरी पावर हमारी जज होती है, और क्रिएटिविटी, टीम स्पिरिट और थिंकिंग कैपेबिलिटीज की तो बात करनी ही नहीं चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के सामने, क्योंकि क्रिएटिविटी का नाम हमारे सिस्टम में अगर आ गया ना कहीं, तो मैं एनएस हॉस्टल का नाम बदल दूंगी। सीरियसली, अगर इस तरीके से हालत रहेगी, टीम स्पिरिट तो हमें स्पोर्ट्स ज्यादा अच्छा सिखाया जाता है एज कम्पेयर टू हमारा एजुकेशन सिस्टम। थिंकिंग कैपेसिटी हमारे पास कुछ है ही नहीं, और अगर हम कुछ अलग करने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ मिलते हैं बहुत सारे ताने, इतने ताने कि कोई कुछ आगे सोचने की कैपेसिटी रख ही नहीं पाता है। और इन सब पे सोने पे सुहागा हो जाता है हमारा होमवर्क वाला सिस्टम। एक एक बच्चे को इतना ज्यादा होमवर्क मिलता है कि वो कोई और चीज कर ही नहीं सकता है। बच्चों के पास खेलने के लिए टाइम नहीं है, उनके पास कोई एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम नहीं है, वो घूम नहीं सकता, वो खेल नहीं सकता, वो कुछ भी नया ट्राई नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज की उसके पास इतना सारा होमवर्क है, तो उसको करने के बाद उसकी टोटल एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है। एनर्जी एग्जॉशन की क्या ही बात करो, फिजिकल एक्टिविटी तो हमने आज तक करी नहीं, फिजिकल एक्टिविटी की नहीं तो हमने गलती से अगर ट्रैकिंग, हाइकिंग, स्विमिंग या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी का नाम सुन लिया ना, हमारे पांव वहीं ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पांव नहीं चलेंगे, हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे, क्योंकि हमसे ये काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ किया होना है। इन सभी एजुकेशन सिस्टम के प्लॉट्स के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे में क्या मिलता है? अब आगे बढ़ते हुए मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि चलो ठीक है, आपको जैसे पढ़ाना था आज तक आपने मुझे पढ़ा है, आपने जो सिखाना था आपने मुझे सिखाया शायद, पर हाँ मुझे इतना बता दो कि क्या इसका मेरे लाइफ में कोई फायदा हुआ? बिकॉज आज के डेट में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश का एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। हम क्यों है अनएम्प्लॉयड? क्यों? क्योंकि हमें हमारे पास कोई स्किल्स तो है नहीं। गवर्नमेंट को अलग से स्किल इंडिया कैंपेन चलाना पड़ रहा है, लेकिन वो स्कूल्स में कुछ सिखा नहीं पा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा क्या परेशानी है जो ये चीज ठीक होने का नाम नहीं ले रही है? अभी तक मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट की बात की, मेरे दिमाग में भी एक और सब्जेक्ट है विच इज अबाउट मोरल एजुकेशन, जो कि आज तक स्कूल सिखाना भूल गया है। बच्चों को मैनर्स,
जो भी कह लो, तो मुझे वो सिखाना क्या होता है नहीं पता। मॉरल एजुकेशन की बुक आपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में गलती से दो बार देख ली होगी, लेकिन उसके बाद भी कभी आपने नजर नहीं डाली कि आपने कभी मॉरल एजुकेशन की बात भी की हो अपनी लाइफ में। आज तक हर चीज का यही हल रखा है कि हमारे हमारी सोसाइटी में हम कहते हैं ना मॉरल्स की कमी हो रही है, लोगों के अंदर तमीज नहीं है, लोग ऐसे पेश आते हैं। आज तक हमने स्कूल में कोई चीज सीखी नहीं, जो आसपास के लोगों के साथ जैसा हमारा एनवायरमेंट था उस तरीके के बन गए। मॉरल एजुकेशन क्या होता है हमें नहीं पता। ये सभी चीजों के साथ अगर हमारा हम आगे बढ़ते हैं, हम स्कूल से आगे निकलते हैं, तो हमारे पास आती है कुछ ऐसी चॉइसेस जिसके बारे में हमें कभी स्कूल लाइफ में समझाया नहीं गया। हमें कहा जाता है कि 10वीं के बाद आप चुन लीजिए कि आपको साइंस चाहिए, कॉमर्स चाहिए, आर्ट्स चाहिए, बट जस्ट टेल मी कि आप कभी किसी सिस्टम के हमारे लोगों ने, कभी हमारे किसी टीचर ने, कभी किसी ने बैठ के शांति से हमें बताया है कि ये सुनोगे तो तुम्हें ये फायदा होगा, वो सुनोगे तो तुम ये कर सकते हो, और क्या चुनेंगे तो क्या होगा, क्या चुनेंगे तो क्या नहीं होगा। क्या कभी किसी ने सजेस्ट भी किया है? उनके हिसाब से साइंस उस बच्चे को लेनी चाहिए जो टॉप करता है, आर्ट्स उस बच्चे को लेनी चाहिए जो रिगड़ रिगड़ के पास होता है, और कॉमर्स उसे लेना चाहिए जो एवरेज है। इन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा फ्लॉ सिस्टम बना रखा है, बहुत ही बेकार सा सिस्टम बना रखा है, विच इज तुम्हारा साइंस वाले टॉपर, आर्ट्स वाले लूजर, और बीच वाले हो गए कॉमर्स। हाँ, हो सकता है कि कांग्रेस से आर्ट्स वालों को ये बात करके बुरा लगा हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, यही हमारा सिस्टम है और यही हमारे टीचर्स के सामने आज से पहले समझा है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे जो भी चुन ले, सपोज कीजिए अगर आपने साइंस चुन ली, तो साइंस चुन ली तो भाई आपसे बस दो ही सवाल पूछ रहे हैं कि बेटा तुम इंजीनियरिंग ले रहे हो, तुम मेडिकल ले रहे हो, तुम आगे क्या ले रहे हो। इसके अलावा इन दो तीन चीजों के अलावा इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, आईटी, अगर सपोज कीजिए आपने कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप सीए करेंगे, बीएड करेंगे, आर्ट्स लिया, अच्छा टीचर बनना है। ऐसे ऐसे सवाल जब हम सोचते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ ऐसा करना चाहता हो जिसके लिए वो सपोज कीजिए बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत सारी चीजें सोच के उसने कोई कोर्स चुना, बट नो, पीपल वॉन्ट की वही टिपिकल जो 5-6 फेमस वाले स्कोप्स हैं उन्हीं के आगे पीछे दौड़ाते हुए स्टूडेंट घूमता रहे, यही चीज चलती रहे। क्यों? हाँ, हम जब कहते हैं कि हमारे देश में इतने सारे इंजीनियर्स बेरोजगार बैठे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण आप जैसे ही तो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया था। जैसे इंजीनियरिंग नहीं की तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद। और साथ ही साथ अब इतनी सारी प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को सोल्यूशन कौन निकालेगा? जहां तक मुझे पता है, मैं और आप इतनी आसानी से उसका सोल्यूशन को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इन सिस्टम के फ्लॉज से हम सब गुजर रहे हैं। आपने भी इन्हीं फ्लॉज से सामना किया है, आपके पेरेंट्स ने भी इन्हीं फ्लॉज से सामना किया है, और आगे भी शायद ऐसा ही कुछ चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ बदलाव आए, कुछ नया हो या कुछ सही हो जाए, तो इस चीज के लिए हमें जहां तक पता है कि सरकार ही कुछ कर सकती है, लेकिन स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच में इतना बड़ा सिस्टम गैप है ना कि हमारी आवाज उस सरकार तक पहुंच ही नहीं सकती। कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी। गलती से गवर्नमेंट तक हमारे पास पहुंच भी गई ना, तो वो सुनकर टोटल इग्नोर करेगी, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं और हम तो बेवकूफ हैं। जो चीजें हमें आज तक सीखनी चाहिए थी ना, वो हमने आज तक नहीं सीखी। मैं सही बता रही हूँ, एक बार किसी चैप्टर में हमने इमरजेंसी नंबर्स के बारे में पढ़ा था, बट टेल मी जस्ट वन थिंग, क्या आपको मैं रैंडमली कोई इमरजेंसी नंबर पूछ लूँ कि आपको याद है? आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाए कि आपको पता है कि उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है? आंसर इज अ टोटल नहीं। छोटे छोटे बच्चों को जब पहले सिखाया जाता था, तो उनको अपने घर के नाम, नंबर, पता सब कुछ होना चाहिए, बट राइट नाउ आज के डेट में तो टीचर्स ने ये सब करना भी बंद कर दिया है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको आपका एजुकेशन सिस्टम कुछ भी नहीं दे सकता है। अगर आपके अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटीज हैं, अगर एक्स्ट्रा आप थोड़े इंटेलिजेंट हैं, आप थोड़े ब्रेव हैं, तो देन आप शायद उससे निकल जाएंगे, बट अदरवाइज आप उसका शिकार ही बनेंगे। एट द एंड अभी तक मैंने इतनी सारी बातें कर ली हैं, अभी तक इतनी सारी चीजें कही हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो सोचा एक एक पॉजिटिव पॉइंट मैं बता ही देती हूँ। अब मैं अपनी लाइफ के रिलेटेड बताऊंगी, बाकी मैं आप लोगों को नहीं जानती। ऐसा तो है नहीं कि आपके स्कूल ने, आपके कॉलेज ने, किसी ने आपके लाइफ में कोई मदद नहीं की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। और हमारे मैं अगर कोई चीज बताऊं कि मेरे अंदर क्या आया स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से, किसी भी चीज से, तो मुझे जो चीज मिली है, दैट इज जस्ट अ कॉन्फिडेंस, जिसे मैं जस्ट बोल के खत्म नहीं कर सकती। बिकॉज मैं आज के आपके सामने जगह कुछ बोल रही हूँ, अगर मैं इस तरीके से बोल पा रही हूँ, अपने सिस्टम के खिलाफ कुछ बोल रही हूँ या सिस्टम के साथ कुछ बोल रही हूँ, तो उसका टोटल मैं श्रेय दूंगी अपने जो भी स्कूल लाइफ रही है। क्योंकि उस समय जो मैंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया था, उसी का नतीजा है कि मैं इस तरीके से आपके सामने बोल पाती हूँ। तो यार मेरा मेरे जो कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, चाहे आप उसे ओवर समझे या आप उसे कम समझे,
बहुत सच, बिकॉज ऑफ हमारा एजुकेशन सिस्टम ही है। अब लेकिन ऐसा मेरा केस है, मेरे कुछ दोस्त ऐसे रहे हैं जो जिनका कॉन्फिडेंस को ऐसा निचोड़ के फेंका गया ना कि वो कतई बाहर नहीं आ सकता है। सो यही इस वीडियो को एंड करते हैं। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, अगर मैं और ज्यादा बोली तो 20 मिनट के आसपास की तो वीडियो हो गई, आगे पता नहीं कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो या दैट इज इट फॉर टुडे। आपसे मिलूंगी मैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें सही लगी तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कौन से पॉइंट आप ज्यादा अग्री करते हैं या कोई पॉइंट मेरा छूट गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, पता चलता है कि आप लोग इंटरेस्टिव हो। तो यार प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बता दो। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि गवर्नमेंट तक पहुंचाने लायक आइडियल हमारे अंदर भी आया है। सो या थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।